हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज फिर एक न्यू वीडियो के साथ हम लोग आपकी खिदमत में हाजिर हो चुके हैं। फ्रेंड, जो आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी होने वाली है ये चीज़। आप लोगों को जैसे पता बड़ी गुजरी है, आप लोग गोश्त खा खा के तंग आ गए होंगे। तो फ्रेंड्स, ये हम लोग एक नई डिश लेकर आए हैं। हम आपको चैलेंज के साथ कह सकते हैं कि ये किसी ने भी नहीं बनाई होगी और जो आज हम आपको बना के दिखाने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, जो आज हम बनाने वाले हैं वो है चने की दाल की टिकिया, आलू की टिकिया, उसके अंदर चने की दाल की फिलिंग, यानी आलू की टिक्की चने की दाल की फिलिंग के साथ हम बनाने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, बनाना स्टार्ट करते हैं और इंशाल्लाह आप लोगों को भी ज़रूर पसंद आएगी। फ्रेंड, जो हमने आलू की टिक्की के अंदर चने की दाल की फिलिंग करनी है ना, उसके लिए जो मसाले चाहिए वो ये है। दो प्याली चने की दाल उबाल कर मैंने इसको ऐसे थोड़ी खड़ी खड़ी सी रखी है, थोड़ी सी अदरक, एक प्याज बारीक कटी हुई, तीन अदद हरी मिर्चें बारीक कटी हुई, एक प्याली ऑयल, थोड़ा सा धनिया बारीक कटा हुआ, थोड़ी सी सौंफ, एक चम्मच साबुत धनिया, एक चम्मच अमचूर पाउडर, एक चम्मच नमक, एक चम्मच ज़ीरा, 1.5 चम्मच पिसी हुई मिर्चें, 1 चम्मच चाट मसाला, थोड़ी सी हल्दी और 1/2 चम्मच ज़ीरा पाउडर। तो फ्रेंड्स, बनाना स्टार्ट करते हैं चने की दाल की फिलिंग जो हम लोगों ने आलू की टिक्की में करनी है। तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने फ्राई पैन में 1 चम्मच ऑयल डाल लिया। अब हम इसमें डालेंगे ज़ीरा, और इसको थोड़ी देर पका लेंगे और साथ ही हम इसके ऐड कर देंगे साबुत धनिया, सौंफ, और हम इन तीनों चीज़ों को थोड़ी देर भून लेंगे। फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं ये कितनी अच्छी तरीके से तीनों चीज़ें भून चुकी है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे अदरक जो हमने बारीक बारीक काट ली थी, और प्याज। फ्रेंड्स, आप लोग ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैं यकीन के साथ ये चीज़ कह सकती हूँ, ये आपको रेसिपी किसी ने भी नहीं बताई होगी, ना किसी ने बनाई होगी। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे हरी मिर्चें, और साथ ही हम ऐड कर देंगे तमाम मसाले। फ्रेंड्स, की ये वाली फिलिंग बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी होने वाली है। और अब हम इसमें ऐड कर दिए चने की दाल। इसको हम मसाले के साथ थोड़ा थोड़ा भूनते रहेंगे। फ्रेंड्स, और इसमें हम लोगों ने धनिया भी ऐड कर दिया। माशाल्लाह माशाल्लाह, आप लोग देख सकते हैं इसकी कितनी अच्छी
लुक आ रही है, कितना प्यारा लग रहा है ये। सोचिए जब ये आलू की टिक्कियों के अंदर फिलिंग करेंगे और जब टिक्किया बन के तैयार होगी तो बहुत ही टेस्टी लगने वाली है। तो फ्रेंड्स, हम लोगों की फिलिंग बिल्कुल अच्छे तरीके से तैयार हो गई है और अब हम तैयार करेंगे आलू की टिक्किया। तो फ्रेंड, हमें जो जो आलू की टिक्किया बनाने के लिए चीज़ होता है वो ये है। 1.5 किलो आलू उबले हुए बिल्कुल बारीक मैंने मैश कर लिए हैं। 3 चम्मच कॉर्नफ्लोर, 3 चम्मच ब्रेड क्रम्स, 1.5 चम्मच पिसी हुई मिर्चें, 1 चम्मच हल्दी, 1.5 चम्मच नमक और 1 प्याली ऑयल। तो फ्रेंड्स, बनाना स्टार्ट करते हैं आलू की टिक्कियों का मटेरियल। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम इसमें ऐड करेंगे हल्दी पाउडर, साथ ही लाल मिर्च पाउडर, नमक, ब्रेड क्रम्स और कॉर्नफ्लोर। इससे ये ज़रा क्रिस्पी क्रिस्पी सी बनेंगे। आलू में पानी होता है जिसकी वजह से ये चीज़ें डालने से आलू जो हैं बिल्कुल खुश्क और अच्छे से बन गए। तो फ्रेंड, हम लोग इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने इसको अच्छी तरह मिक्स कर ली है और हमारी आलू की टिक्की बनाने के लिए ये बिल्कुल अच्छी तरीके से तैयार हो गया है मिक्सचर। तो चलिए टिक्किया बनाना स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आलू की टिक्की बनाने के सबसे पहले हम इस तरह हाथ पे थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे जिससे हमारे आलूओं का मिक्सचर जो है वो हाथ पे ना चिपके। और पहले हम लोगों ने एक आलू की बोल सी बना के रख ली थी और अब हम इसमें ऐड करेंगे चने की दाल का जो हम लोगों ने बनाया है मिक्सचर, वो हम फिलिंग इसके अंदर कर देंगे और कुछ इस तरीके से हम इसको बंद कर देंगे। और इसको शेप दे देंगे गोल गोल। आप लोग देख सकते हैं कितनी अच्छी तरीके से ये बन चुकी है और गोल हो गई है बिल्कुल बराबर। तो फ्रेंड्स, इसी तरह हम तमाम टिक्कियाँ बना लेंगे। तो फ्रेंड्स, हम लोग टिक्कियों को फ्राई करने लगे हैं और हम बिल्कुल कम ऑयल डालेंगे क्योंकि हम लोग इसको शैलो फ्राई करेंगे। तो इसलिए हमने सिर्फ 2 चम्मच ऑयल डाला है फ्राई पैन में। इस तरह हम सारी टिक्कियाँ डाल देंगे। फ्रेंड्स, आप लोग इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही मज़ेदार बनती है और इंशाल्लाह जब आप लोग बनाएंगे तो आप लोगों को भी बहुत पसंद आएगी। हमारी टिक्की का कितना अच्छा कलर आ गया है, आप लोग देख सकते हैं कितनी अच्छी है, गोल्डन फ्राई सी हो गई है। तो अब हम आपको इसको डिश आउट करके दिखाते हैं। माशाल्लाह बहुत ही प्यारी लग रही है। तो फ्रेंड्स, लुक एट दिस, माशाल्लाह हम लोगों की टिक्कियाँ बनके बिल्कुल अच्छे तरीके से तैयार हो सकती है और आप लोग देख सकते हैं इसमें ये चने की दाल की फिलिंग कितनी ज़बरदस्त किस्म से बन चुके हैं हमारी टिक्कियाँ। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को ये अगर हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ ही बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी इसी तरह हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए।
तो फ्रेंड्स अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा और हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा ये आपको कैसी लगी। चलो।